नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों का पैनल बनाकर के भाजपा हाईकमान को भेज दिया है। भाजपा के ही सूत्रों के अनुसार जिन 10 लोकसभा के उम्मीदवारों का पैनल भेजा गया है उनमें से 4 लोकसभा क्षेत्र से हैं जहां केवल एक ही उम्मीदवार का नाम भेजा गया है। वहीं शेष 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम भेजे गए हैं। वह अम्बाला में पति पत्नी का नाम भेजा गया है। जिन 5 लोकसभा क्षेत्रों में से एक एक उम्मीदवार का नाम भेजा गया है उनमें से गुड़गांव से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत, फरीदाबाद से केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुज्जर, सिरसा से सुनीता दुग्गल, करनाल से संजय भाटिया व अम्बाला से रतन लाल कटारिया या उनकी पत्नी बंतो देवी शामिल है। रोहतक से भाजपा की टिकट पूर्व सांसद अरविंद शर्मा को मिलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है, मगर उनके साथ साथ 2 अन्य नामों को भी हाईकमान को भेजा गया है। इसी प्रकार इनेलो से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नलवा के विधायक रणबीर गंगवा को हिसार से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। वहीं कुरुक्षेत्र से हरियाणा के राज्य मंत्री नायाब सिंह सैनी के अतिरिक्त शुगर फेड के चेयरमैन हरपाल चीका का नाम भी पैनल में भेजा गया है। सोनीपत से मार्केट कमेटी बोर्ड के चेयरपर्सन कृष्णा गहलोत व विजेंद्र सिंह के अतिरिक्त वर्तमान सांसद रमेश कौशिक भी दौड़ में हैं। वहीं भिवानी के वर्तमान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के अतिरिक्त 2 नाम और भी पैनल में शामिल किए गए हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट।